मेडेक्स चैनल आप देख रहे हैं और दोस्तों आज मैं हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ के वो एक फूड ब्लॉगर है, क्रिकेट के ओपनर भी है और साथ ही में डॉक्टर है, डॉक्टर मनोज सर। हर डॉक्टर की या तो किसी भी बंदे की लाइफ में ऐसा कोई वक्त आता है, ऐसा कोई वाक्या होता है जिसमें उन्हें काफ़ी प्राउड होता है और किसी और को भी वो इंस्पायर करता है, तो ऐसा कोई वाक्या आपका हो तो? काफ़ी ऐसे एपिसोड्स हैं कि जहाँ पे ऐसा लगे कि मैं मेरी फैमिली के काम आया, सोसाइटी या मेरे फ्रेंड्स के काम में आया, पर उसमें से कुछ ऐसे चंद लम्हे ऐसे होते हैं कि जो लाइफ टाइम याद रह जाते हैं। एक अभी ही इंसिडेंट हुआ था कि जब हम लोग साथ में क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते हुए मेरे एक फ्रेंड को बड़ी तेज़ से अचानक बॉल लगी। अब वो बॉल लगी उस इमरजेंसी इंसिडेंट में उसको आँख पे अचानक एक बॉल लगने से इंजरी हुई और उस टाइम पे जो इमरजेंसी मोमेंट था उस टाइम पे सीधी बात है कि और कोई डॉक्टर था नहीं वहाँ पे, मैं खुद ही था वहाँ पे, तो उनको कैसे इमरजेंसीली हैंडल करना, कहाँ ले जाना, क्योंकि एक क्रिटिकल इमरजेंसी प्रोसेस होता है तो उसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, उन्हें गाइडेंस मिल जाता है। बाद में वो हमारे लिए लाइफ टाइम इतने थैंकफुल रहते हैं कि भाई अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता उस टाइम पे। और वो ऑब्वियसली वो संडे था, क्योंकि संडे को ही हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो तभी कोई अवेलेबल भी नहीं होता है, तो वो किस तरीके से अवेलेबल किया, उसको ले गए इमरजेंसी में, सीटी स्कैन करवाया, डॉक्टर से पूरा हेल्प करवाया। तो और ऑब्वियसली उन्हें भी पता है कि हमारी खुद की रूटीन लाइफ बिजी है, तो उसमें से टाइम निकाल के ये जो करते हैं तब जो थैंक्स फीलिंग जो वो हमें देते हैं उस टाइम पे थोड़ा प्राउड मोमेंट होता है। प्राउड से ज़्यादा एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी होता है, खुशी भी होती है, खुशी भी होती है कि मैं किसी के काम आ पाया। और एक ऐसा कोई कोई सेल्फिशली नहीं, विदाउट एनी अदर फीलिंग्स, बट बहुत एक संतोष उसमें प्राप्त होता है। एक इंसिडेंट और था कि जब हम लोग मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे थे, तब मीटिंग के लिए जब मैं अकेला जा रहा था तब फ्लाइट में एकाध बार ऐसा हुआ है कि एक लेडी थी कि जिसे फियर था, फ्लाइट फियर था, तो जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई उस टाइम पे शी स्टार्टेड शाउटिंग और चिल्लाते चिल्लाते शी क्रैश डाउन। और क्रैश डाउन ऐसी हुई कि ऐसा लगा कि जो एयर होस्टेसिस थी वो शॉक में आ गई, क्या करना है, किस तरीके से करना है। और शी स्टार्टेड इन्फॉर्मिंग द पायलट के शायद फ्लाइट आपको वापस खींच के ले जानी पड़े बिकॉज देयर इज़ एन इमरजेंसी। तब दे शाउटेड फॉर हेल्प और उन्होंने पूछा कोई डॉक्टर है कि नहीं। मैं गया, मुझे पता चला कि ऐसा है, देखा, चेक किया, पता चल गया कि इट वॉज़ अ पैनिक एपिसोड और पैनिक जो था उसके कारण ही ये हुआ होगा। छोटा मोटा प्राइमरी हेल्प की और उसकी वो वापस होश में आ गई। फिर उससे पता लगा कि इट वॉज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल आउटबर्स्ट और जिसके कारण, और थोड़ा इमोशनली वो अपसेट भी थी और थोड़ा सा फ्लाइट का फियर भी होता है, अकेली जा रही थी जिसके कारण वो बेहोश हो गई। फिर उसको काम डाउन किया, उसको थोड़ा समझाया और काउंसलिंग के साथ बात आगे बढ़ी और पूरी फ्लाइट जो टर्न ओवर करके वापस ले जाने की बात थी उसके अलावा हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और एक अच्छा तभी प्राउड मोमेंट था, एवरीबॉडी क्लैप्ड एंड खुश भी हुए सब। तो ऐसी थोड़ी सी इंसिडेंट्स है जिससे हमेशा याद रह जाती है। हाँ सो वैसे आपका ये इंसिडेंट बहुत बढ़िया था और उसके साथ एक डॉक्टर का काम ही यही होता है कि आप हर दिन किसी ना किसी के काम आते हो। उसी तरह जो हमें देख रहे हैं आप, आज आप किसके काम में आए हैं या तो किसके काम में आने वाले हैं, सोचिए ज़रा और साथ में ही देखते रहिए मेडेक्स चैनल।